चली 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 सेहत की हवा चली चली मुफ्त होगा इलाज मिलेगी दवा बीमार न रहेगा अब लाचार बीमारी का होगा मुफ्त उपचार मुफ्त उपचार नमस्कार। 12 दिसंबर विश्व भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब प्रत्येक नागरिक को अच्छी और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हों। इस दिशा में भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम आयुष्मान भारत, जिसके की दो कंपोनेंट हैं, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा PMJ यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आइए आज के अंक में बातचीत करते हैं कि इन दोनों ही कंपोनेंट्स में भारत ने कितनी प्रगति की है। यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर VK पॉल का। नमस्कार डॉक्टर पॉल, मेंबर नीति आयोग। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष महाजन, नमस्कार, चीफ रेडियोलॉजिस्ट महाजन इमेजिंग से। डॉक्टर इंदु भूषण हमारे साथ हैं, नमस्कार डॉक्टर भूषण, आप CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, और आप तीनों को ही आज के दिन की बधाई। डॉक्टर पॉल, आपसे शुरू करूंगा, जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं तो आज भारत कहाँ खड़ा है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक विजन है, एक गोल पोस्ट है, और उस तरफ भारत बहुत सालों से आगे बढ़ रहा था। हमारी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन 2018 में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है जो आयुष्मान भारत के रूप में है, जिसको कि बिल्कुल आपने ठीक तरह से कहा कि उसमें दो पहलू हैं उसमें। और पहला पहलू है कि हमारी जो प्राथमिक सेवाएं हैं उनको हम एक बारी पूरी तरह से बदल के कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, जो पहले किया है उसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और दूसरा है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में होता है कि हॉस्पिटल में अगर दाखिल होने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें सेवाएँ प्राप्त हों, बिना शुल्क के प्राप्त हों, और वो एंटाइटलमेंट के बेस के ऊपर हों। और वो कार्यक्रम हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत है, और दोनों में ही बहुत बहुत आगे हम बढ़े हैं। और आज ये खुशी का मौका है और इसकी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि और बातचीत करें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर भूषण, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सबसे पहले बातचीत करें तो थोड़ा बताइए, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का सपना था, तो वहाँ कितनी प्रगति है? अब तक 25,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, और जो हम लोग का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं, उसमें हम लोग सही दिशा में हैं और 3 साल के अंदर ये पूरे बन जाएंगे। जी डॉक्टर महाजन, आपने तो रेडियोलॉजी के क्षेत्र में एक तरह से पायनियर किया है, और आपकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। बतौर रेडियोलॉजिस्ट, आज जब आप देखते हैं कि आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ है, साल भर हो गया है, कैसे देखते हैं प्रगति को? देखिए, प्रगति तो बहुत हुई है। जो हमें आंकड़े मिले हैं, 11 करोड़ से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं, और 65 लाख से अधिक पिछले एक साल में ट्रीटमेंट दी जा चुकी हैं। सो उस हिसाब से तो ये शायद किसी ने इतना इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये पॉसिबल है। और जहाँ तक बात रही रेडियोलॉजी की, रेडियोलॉजी एक पार्ट एंड पार्सल है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैन, MRI, जो जो इन ट्रीटमेंट्स में ज़रूरी होता है उनको मुहैया कराया गया है। और मेरे ख्याल पूरी दुनिया देख रही है और ये देख रही है कि ये कैसे जी एक एक कदम करके जी ये स्कीम जो है ये आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर चलते हैं वापस 23 सितंबर 2018 को, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया था। 23 सितंबर 2018 शुरू हुआ अभियान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे इस पुराने सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है, और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। दिन बदले जनमानुष के, आरोग्य का वरदान मिला। मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने आई हूँ, उसको बॉन्टी भी हुआ है।
मेरे सीने में दर्द हुआ था जी, मेरे घर वाला मरा उसी दिन। पानी जा रहा था और वो तार हट गया, लगाने लग गए, फेंक दे। मेरी बेबी छे, 9 महीना पहले हमने खबर पड़ी कि मेरा हस्बैंड ने ओरल कैंसर छे। और मेरे पास ये मान लो मेरे पास रुपए बिल्कुल नहीं थे। बाप भी गया जी, मैं भी चली जाती, क्या रहता जी। पहले प्राइवेट से दिखा दी, बोला 8 लाख रुपया लग जाएगा सर्जरी कराने के लिए। ऐसा लग रहा था कि अगर होते तो कोई तकलीफ ना होती। वो मुश्किल वही सी वस्तु कार्ड नो तो हमारी पास इतनी ओली हती नहीं, कैपेसिटी नहीं कि हमें मोदी के जे तभी जी बैठी मैं अपने बच्चे में। वो तो आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। अब तो हंसता भी है, खाता भी है, खेलता भी है। एक वर्ष ये आयुष्मान का, ये तो बस शुरुआत है। स्वस्थ भारत से सशक्त भारत, मन में ये विश्वास है। भारत के मन में विश्वास है, जन मन में विश्वास है। जी, आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आज यूनिवर्सल कवरेज दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में हम इस विशेष कार्यक्रम में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने कितनी प्रगति की है। डॉक्टर पॉल, हर्ष होता है जब कोई सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है, तो कोई ऐसा वाक्या जो पिछले साल भर में हुआ हो और ख़ासतौर पर उसने आपके दिल को छुआ हो। देखिए, कैंसर के जो खर्चे होते हैं इलाज के, हाँ जी, कुल मिला के चाहे पब्लिक सेक्टर में आ जाएं, प्राइवेट सेक्टर में आ जाएं, और शायद बहुत जनता को तो दोनों में ही घूमना पड़ता है, उसमें जो बड़ा खर्चा है, अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उसका कवरेज देखते हैं, तो मैं समझूंगा कि वो बीमारी का जो कवरेज हुआ है, जनता तक जो वो चीज़ निःशुल्क पहुँची है और सेवाएँ प्राप्त हुई हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। और फैमिली आफ्टर फैमिली जब ये बात बताई जाती है कि उसमें किसी व्यक्ति को कैंसर है, बड़े को या छोटे को, तो हिल जाते हैं, और बड़े बड़े घर भी हिल जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि जो कैंसर के प्रति हमारा इलाज हुआ है, विमेन का इलाज हुआ है, मेन का इलाज हुआ है, बच्चों का हुआ है, वो एक बहुत बहुत सेटिस्फैक्टरी बात है जी। कौन सी सक्सेस स्टोरी आपने पिछले साल भर में खासतौर पर देखी या सुनी जिससे कि आपको लगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आयुष्मान भारत? देखें, हमारे साथ तो नहीं हुई क्योंकि दिल्ली में तो अभी ये स्कीम लागू नहीं हुई है, पर जो सुनने में आता है, छोटी से छोटी बीमारी भी जो है उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, और ये खर्चा करने की क्षमता नहीं है। जो लोग इस स्कीम में कवर हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत पैसे वो जुटा पाते हैं, उससे वो एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। तो कैंसर, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वो तो है ही बड़ी बीमारी, पर इवन छोटी बीमारी, किसी को इन्फेक्शन हो, किसी को डेंगू हो गया, उसमें भी घर बार बिक जाता है। तो जितनी भी, मैं तो ये कहूँगा, ये 65 लाख जो कहानियाँ हैं, ये सब अपने आप में एक अनूठी गाथा पेश करती हैं, और हर एक को इसने छुआ है और गरीबी की रेखा से नीचे जाने में बचाया है जी। कोई खास सक्सेस स्टोरी आपको जहन में आती है? मैं कम से कम 1000 लोगों से मिला हूँ, जो 65 लाख लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है उसमें से, और हर एक की अलग अलग कहानी है इसमें, और कई कहानियाँ मुझको याद हैं, लेकिन एक कहानी जो दिल्ली में एक्चुअली हुई थी, वो बिहार का एक व्यक्ति था जिसको कि हार्ट का ऑपरेशन कराना था, तो बिहार में सुविधा नहीं थी तो दिल्ली आया था, और दिल्ली में वो 80,000 रुपये उधार लेके आया था, और उसको पता नहीं था कि वो आयुष्मान भारत का लाभार्थी है। और जब यहाँ पे आया तो उसको बताया गया कि 80,000 से काम नहीं चलेगा, आपको 1.5 लाख रुपये और चाहिए, क्योंकि 2 लाख से ऊपर का इसमें खर्चा लगेगा। तो उसने कहा कि भाई, इतना तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पता करिए कि आप आयुष्मान भारत के लाभार्थी तो नहीं हैं कहीं, कि अगर वो हैं तो फ्री हो जाएगा। तो उसने पता किया और उसने अपने वहाँ पे फ़ोन किया, और उसको पता चला कि लाभार्थी है, उसको उसका जो कार्ड है व्हाट्सएप से उसके गांव से यहाँ पे आ गया, उसके आधार पे उसको पूरा इलाज मिला। जो वापस लौट के गया, जो 80,000 रुपये लेके आया था, उसने पूरा का पूरा जाके जो जिससे उधार लिया था वापस कर दिया, और उसकी कहानी काफ़ी मुझको छुई। लेकिन इस तरह की कई कहानियाँ हैं, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर
जो कि जिसका कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कोई किसान, कोई कारीगर, कोई कोई जो गरीब से गरीब लोग, और वो कहते हैं, जब पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आयुष्मान भारत नहीं होता तो क्या करते, तो कुछ लोग कहते हैं कि इलाज नहीं कराते, धीरे धीरे हम मर जाते, और कुछ लोग कहते हैं कि हमको उधार लेना पड़ता और हम उधार से ही मर जाते हैं। जी, और इसमें वो लाभार्थी आते हैं जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर इस समय कोई कार्यक्रम देख रहे हैं और जैसा आपने उदाहरण दिया कि 80,000 लेकर आए लेकिन पूरा बिल 2,00,000 से ज्यादा था, तो क्या फिर 1-4-5-5-5 पे फोन करें तो पता लग जाएगा कि वो लाभार्थी हैं कि नहीं है? बिल्कुल, और ये सुविधा बहुत सक्सेसफुल रही है, रोज हजारों फोन आते हैं। अच्छा। और इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जिनको भी ये नहीं मालूम है या जिनको जिन्होंने कोशिश नहीं करी, हम कहेंगे कि जरूर पता करिए। अच्छा। और अगर आप उसमें हैं तो अपना जो गोल्डन कार्ड है वो भी बनाइए, ताकि जब आपको नौबत पड़े तो कम आपके पास एक प्रूफ है, ताकि सारी जो व्यवस्था है वो तेज़ी से हो। वैसे तो लिस्ट में नाम होना ही संभव होता है, फिर आइडेंटिटी देने की बात होती है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से जब समस्या नहीं है उस वक्त आपको पता चले कि आप लाभार्थी हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो गोल्डन कार्ड की बात होती है, इसे बनाने की प्रक्रिया कितनी सरल है? बहुत सरल है, और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि कार्ड की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अच्छा। अगर आपका नाम सूची में है तो आप जा सकते हैं, आपका इलाज होगा पूरा, और आपको नंबर चाहिए बस। अच्छा। और अगर जैसा कि डॉक्टर पॉल ने बताया कि आपने 1-4-555 को फ़ोन किया, अगर वो बताएंगे आपको, तो एक हमारा हाउस होल्ड आईडी नंबर है। अच्छा। वो भी बताएंगे। अच्छा। अगर आप वो हाउस होल्ड आईडी नंबर लेके चले जाएंगे तो आपको पूरी सुविधा मिल जाएगी। अच्छा। उसके अलावा एक हमारी वेबसाइट है। अच्छा। उसका नाम है merapmj.gov.in। वाह, merapmj.gov.in। हाँ, तो अगर आप उसमें जाएंगे तो उस पर आप अपनी सूचना डालिए, और अब तक मैं बताऊँ उसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों ने से अब तक जा चुके हैं। अच्छा। तो उसमें सूचना डालने के बाद आपको आप देख सकते हैं कि आप लाभार्थी हैं कि नहीं, आपके कितने मेंबर्स हैं, उनकी एज वगैरह क्या है, और उसको आप SMS के माध्यम से अपने फ़ोन पे मंगा सकते हैं। अच्छा, बहुत खूब। तो इसमें हम जब कहते हैं कि 10 करोड़ परिवार और हर परिवार को सालाना 5,00,000 तक का इंश्योरेंस कवर, परिवार में कितने भी सदस्य हो सकते हैं डॉक्टर पॉल? हाँ जी, कोई रुकावट नहीं है, पूरे जितने भी सदस्य हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं जिस परिवार को चिन्हित किया गया है। और इस तरह से वो भी नहीं है कि पहले की बीमारी है कोई तो आप उसमें शामिल नहीं हो, वो जो प्राइवेट इंश्योरेंस में होता है कि आपके ये बीमारी नहीं हो, ये नहीं हो, तभी हम आपको इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सब उम्र के नवजात शिशु भी इसमें इंक्लूडेड है, और एक बुढ़ापे से जो जूझ रहे हैं हमारे भाई बहन वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जी, पर PMJ की तो बात होती है कि आप बीमार हुए तो आप इलाज कराने आए, पर आप आग्रह करेंगे खासतौर पे अब जब नया साल आ रहा है सभी से कि एक हेल्थ रेजोल्यूशन बनाएं कि प्रिवेंशन पे जोर दें, और इस दिशा में हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक क्या एक बहुत सराहनीय कदम है डॉक्टर महाजन? देखिए, ये सराहनीय कदम तो है ही है, बचपन से हम सुनते आए हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और अब समझ आया कि प्रिवेंशन इज़ ऑल्सो चीपर देन क्योर। यस, अगर आप पहले पकड़ लेते हैं बीमारी को, और ये हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स का फोकस ही ये है कि बीमारी होने से पहले जो व्यक्ति ज़्यादा रिस्क पे है उसको हम पकड़ सकें, ताकि उसकी बीमारी होने से पहले हम ठीक कर सकें, या इतनी जल्दी पकड़ें कि वो उस लेवल पे ना पहुँचे कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है, ये सब बीमारियां अगर हम पहले पकड़ लेते हैं तो ओवरऑल हेल्थ केयर का जो एक्सपेंस है PMJ में या NHA में या ओवरऑल सोसाइटी के लिए, वो कम हो जाता है, और तकलीफ तो कम हो ही जाती है, क्योंकि अगर हमने पहले ही पकड़ लिया, अगर कैंसर स्टेज 1 में पकड़ में आ गया तो उसका पूरा इलाज हो जाता है, क्योर हो जाता है। यही स्टेज 3 या 4 में जाएंगे तो एक तो जूझना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, कई तरह की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऐसे ही हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहे बहुत देर के लिए, अनचेक्ड हो तो वो किडनीज पे असर करता है, हार्ट पे असर करता है, किडनियाँ फेल हो जाती हैं,
तभी हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में लोग वेट लिस्ट में हैं अपनी किडनी बदलवाने के लिए, और उसकी सुविधा हम मुहैया करा ही नहीं सकते, हमारे ओवरऑल फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक पूरा आप समझें कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पिरोया गया है, राइट फ्रॉम प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर टू थेरेप्यूटिक केयर। जी बिल्कुल, तो प्रिवेंशन और अर्ली स्क्रीनिंग डिटेक्शन पर बल देते हैं हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक, और जैसे डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया अब तक 25,000 ऐसे क्लिनिक खोले गए हैं। आइए जानें कि ऐसे क्लिनिक में कौन कौन सी सेवाएं आप पा सकते हैं। 2022 यानी हमारे न्यू इंडिया बनाने के संकल्प को साकार होने तक आधुनिक सेवाओं से युक्त 150,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाने हैं। इन अत्याधुनिक सेंटर्स द्वारा किया जाएगा माँ और बच्चों का स्वास्थ्य संवर्धन, बुजुर्गों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक समस्याओं का समाधान। हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जैसे बड़े रोगों का जल्द निदान और उपचार, साथ ही फिट इंडिया बनाने के लिए आहार, योग, कसरत जैसी जानकारियां और तंबाकू शराब जैसे व्यसनों पर नियंत्रण भी। इतने बड़े मिशन को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग टीम्स भी बनाई गई हैं। हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होंगे मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिनको सपोर्ट करेंगे ANM स्वास्थ्य वर्कर्स और आशा बहन जी। यहाँ डिजिटल कंसल्टेशन के साथ हेल्थ आईडी कार्ड जैसी कई नई सुविधाएं शुरू होंगी, और हर व्यक्ति को जोड़ा जाएगा एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ, ताकि कोई स्वास्थ्य सेवाओं से बिछड़ा ना रहे। स्कूल के बच्चे भी स्वास्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और साथ ही पूरा देश इस जन आंदोलन से जुड़ेगा। इस तरह से समाज और सरकार अपना पूरा बल लगाएंगे और हम छुपे बैठे शत्रुओं को निकाल फेंकेंगे। बीमारियों को हम नहीं बनने देंगे हेल्दी न्यू इंडिया के राह की रुकावट। तो इंडिया स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। तो इंडिया स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो, आप भी आगे बढ़िए और सीधा फ़ोन घुमाइए यदि आप डॉक्टर्स के पैनल से कोई सवाल करना चाहते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर रहेगा 23097532, दैट्स 23097532। डॉक्टर पॉल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपकी क्या मांग है कि अब नए साल में और क्या ऐड किया जाए? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अभी तक हम उस सब सेंटर से शुरुआत इसकी होती है कि हमारे पास सब सेंटर हैं, 5,000 से 8,000 की पॉपुलेशन पे है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है 30,000 का। तो हम जो सब सेंटर हमारे पास रहे हैं, हम उनको एक नई ऊंचाई पे ला के उसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहेंगे। और जब उस ऊंचाई पे लाते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसमें ज़रूरत है तो जगह क्रिएट किया जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिड लेवल प्रोवाइडर की बात कही है हमने, वो वहाँ पे होंगे, वो हमारे एक नर्स होंगी। अच्छा। और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में गाइडेंस कर सके। हमारे सब सेंटर में अभी तक ANM होती थी, हेल्थ वर्कर होता था, आशा वर्कर आती थी, लेकिन अब क्योंकि हमारा विजन बड़ा है, हमने आगे बढ़ना है, तो एक नया, एक हाईली ट्रेन्ड वर्कर को हम ला रहे हैं। उसका नाम है मिड लेवल प्रोवाइडर। वो एक नर्स और डॉक्टर के बीच में एक डायमेंशन होती है। सारे अच्छे देशों में ऐसे वर्कर्स होते हैं और बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल, तो वो होगा। उसके अलावा जो पहले दवाइयां मिलती थी, मान लीजिए वो 12 दवाई मिलती थी, अब 22 दवाई की बात होगी। अच्छा। मोर मेडिसिन। अच्छा। पहले डायग्नोस्टिक नहीं होते थे। अच्छा। सिर्फ मुश्किल से हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करते थे, यूरिन का टेस्ट करते थे, लेकिन अब और भी उसमें जुड़ जाएंगे। अच्छा। कि एनीमिया भी देखा जा सके, प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो सके, सिकल सेल भी देखा जाए अगर जरूरत है उसकी, और इसी तरह से एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि ब्लड सैंपल लिया जाए और उसकी जाँच हो, और जो लाभार्थी है उस एरिया में जिनको हम सेवा प्रदान करते हैं उनको ये रिजल्ट मिले। तो सब तरफ से ऊंचाई है, टेली कंसल्टेशन भी होगी और बड़ा इलाज भी होगा। इसके अलावा अगर एक रेडियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं पूछूं आपसे, आप क्या कहेंगे बुनियादी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में? देखिए, अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हो जाए हाँ जी, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात रहेगी। देखना ये है कि कितना बड़ा ये सेंटर प्लान्ड है। अच्छा, ये जो फैसिलिटी है एक वैन में भी प्रोवाइड की जा सकती है, जो वैन अच्छा एक सेंटर से दूसरे सेंटर जो जियोग्राफिकली क्योंकि आप कह रहे हैं एक सेंटर में हो सकता है दिन में 5-7 एक्सरे ही जरूरत हो। बिल्कुल, सो अगर हम एक वैन में लगा लें और वो वैन 10-12 या 15 सेंटर्स को केटर कर सके एक हफ्ते में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। डॉक्टर इंदु भूषण, ये जो 25,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं, मोटे तौर पे दो सेंटर्स के बीच में दूरी कितनी है? देखिए, ये तो पूरे देश में बने हुए हैं। अच्छा, और पूरे देश में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1.5 लाख बनने हैं, ठीक है, तो 25,000 अभी तो स्कैटर्ड हैं, ठीक है, और जहाँ पे अच्छी सुविधा थी पहले पहले वहीं पे अपग्रेड हुए हैं। अच्छा, तो अब धीरे धीरे जब बन जाएंगे तो डॉक्टर पॉल एक पे करीब 5,000 की पॉपुलेशन रहेगी। अच्छा, एक सेंटर 5,000 पॉपुलेशन। जी जी, तो जैसे रेडियोलॉजी पर्सपेक्टिव से एक एक्सरे मशीन, क्योंकि आजकल ब्लड टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर कहते ही एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराओ। जी, तो जैसा कि डॉक्टर महाजन ने बताया कि हमको थोड़ा सा इसमें क्रिएटिव वे में सोचना होगा, क्योंकि आप हर जगह बड़े स्तर की सुविधा नहीं दे सकते। अच्छा, तो उसके लिए मान लीजिए हम इन्होंने सुझाव दिया कि एक वैन हो सकती है जिससे कि सुविधाएं मिल जाएं, या जो टेलीमेडिसिन की बात है कि हर जगह बड़े स्तर के डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से जैसे कि दूर से आप स्काइप से या बाकी उससे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे ये ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उससे आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और बीच में भेज सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 10-12 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको उनके जो सैंपल्स हैं वो या तो किसी आदमी या के माध्यम से या किसी और माध्यम से बीच में कोई लैब बना दी जाए, वहाँ भेज सकते हैं। तो इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ है, इनोवेशन हम लोगों को इसमें लाना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि हर जगह हर एक सुविधा देना संभव नहीं हो पाएगा। जी, तो जो मिड लेवल वर्कर की आप बात कर रहे थे, मान लो उसने एक्सरे भी निकालना है तो उसमें कॉम्पिटेंसी रहेगी? ज़रूरी नहीं है, जो एक्सरे मशीन के साथ आएंगे अच्छा, वो लोग करेंगे। अच्छा, और ये तो टीम बड़ी होगी। अच्छा, आज इस टीम से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और भी आगे बढ़ेंगे। और देखिए उसमें एक वेलनेस का हिस्सा भी है। अच्छा, हेल्थ प्रमोशन का जो हिस्सा है, हमारे आयुर्वेद और योग की पद्धतियाँ हैं उनको भी हम जोड़ते अच्छा, हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समग्र प्राइमरी हेल्थ केयर है। बिल्कुल ठीक है, समग्र से मतलब हमारा ये है, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आज तक हम अपने प्राथमिक सेवाओं में ग्रास रूट पे जाके हम मदर चाइल्ड की देखते थे, माँ का स्वास्थ्य की बात होती, बच्चों के स्वास्थ्य की बात होती थी। हमारे जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, संक्रामिक रोग जो हैं, टीबी है, मलेरिया है, इनके ऊपर हम लोग फोकस करते थे। वो हमने अच्छा करा और हमने अच्छे अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके बाहर थी, जैसे कि आज हम बात करें तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी इतनी कॉमन है, लगभग 30-35% हमारे एडल्ट्स जो हैं, बड़े हैं हमारे देश में, उनको ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है। डायबिटीज़ की बीमारी 10-11% के करीब एडल्ट्स में है। इसी तरह से ये कैंसर की बात करी हमने कि उसको जल्दी से पकड़ना है, कि जो मेन इतने कैंसर हैं उनको जल्दी पकड़ेंगे, पूरा इलाज संभव है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है, इनके ऊपर तो काम शुरू हो गया है, लेकिन आगे भी सोचा जा रहा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हेल्थ का हम देखभाल करें, मेंटल हेल्थ, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर पूरे जोर से आगे जाए। अच्छा, आई के अभी तक कैटरेक्ट के ऊपर जा रहे थे, लेकिन अच्छा, ये शीशे भी लगने हैं, ये भी तो इलाज होने हैं। आई की और कंडीशंस है, ENT की बात होती है। अच्छा, एडोलेसेंट जो बच्चे हैं हमारे, लड़के लड़कियां हैं, उनकी हेल्थ में अभी कई और चीज़ें हमें चाहिए हैं कि हम जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैलिएशन भी, रिहैबिलिटेशन भी, फिजियोथेरेपी, हमारा विजन वहां तक हमें लेके जाता है। स्टेप वाइज चले हैं, लेकिन जो विजन है वो साफ है, हमारा गोल साफ है और पूरी कमिटमेंट। जी, विजन तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ही है, और इसमें जैसा डॉक्टर इंदु भूषण कह रहे हैं, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी भी हमारी मदद करेगी। डॉक्टर महाजन, आपने तो खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी कार्य किया है, थोड़ा बताइए। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत नई फील्ड है, पर इसमें बहुत काम हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशिश करती है डॉक्टर का काम आसान बनाने के लिए और डॉक्टर को हेल्प करने के लिए। मे बी आने वाले सालों में
कई कार्यों के लिए डॉक्टर को रिप्लेस भी कर सकती अच्छा। है। तो ये है जैसे किसी ने एक्सरे किया जी। तो वो कंप्यूटर ही एक्सरे पढ़ दे विद यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे बहुत काम हो रहा है। ऐसे ही कैट स्कैन, दूसरा स्किन की डिजीजेज हैं क्योंकि ये भी फोटो खींच के आप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी दिखाया जा चुका है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम बनी है वो ऑलरेडी बेस्ट से बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छी हो गई है। अच्छा। सो यहाँ पे जहाँ की डॉक्टर पहुँच नहीं सकता जी। और हमारा देश बहुत हमें सौभाग्य है yes. कि हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है yes. हर एक की जेब में सेलफोन है हाँ। हर एक हमारे इसरो के सैटेलाइट ऊपर yes. चल रहे हैं। सो टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, ये सब का इस्तेमाल करके एक सेंट्रल हब में आर्टिफिशियल yes. इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके yes. जो हमारी शॉर्टेजेस हैं yes. मैन पावर की yes. उसको शायद ओवरकम किया जाए yes. पर ये अभी अर्ली डेज हैं yes. ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो इसकी प्रॉमिस है yes. वो ये फुलफिल कर पाता है कि नहीं। बट yes. एक बात तय है yes. कि जो हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ही लोगों को, हमारे ही इंजीनियर्स को, हमारे ही डॉक्टरों को, हमारे ही आईटी स्पेशलिस्ट को सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसके जो समाधान है वो हमारे ही देश से निकलेंगे। और मुझे तो यहाँ तक कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये फिर जो आंसर निकलेंगे ये आगे चल के बाकी देशों में भी फैलेंगे और उसका भी आंसर देंगे उनकी प्रॉब्लम्स का। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डॉक्टर महाजन हैज मेड, दैट टेक्नोवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इज वेरी क्रिटिकल टू इंश्योर द ओवरऑल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। राइट नाउ वी कैन कट अक्रॉस टू द गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु फ्रॉम वेयर वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर देवी शेट्टी, एमिनेंट कार्डियक सर्जन, एंटरप्रेन्योर and founder chairman of Narayan Hirdale. Dr. Shetty, thank you so much for joining us on Doordarshan. Let me begin by asking you, how do you see the delivery of health services earlier and now that Ayushman Bharat has come? Earlier, we had a problem. The problem is most of the people didn't have the money to pay for the healthcare. With the government launching Ayushman Bharat, nearly half the country's population who could never dream of getting major heart surgery or a complex cancer surgery, today they are in a position to have it. We believe that along with the Ayushman Bharat, government's initiative of replacing Medical Council of India with the National Medical Commission will dramatically change the way medical education happens. We have no doubt that large number of super specialists will be trained, making public hospitals in tier 2, tier 3 cities vibrant. Today, public hospitals do not have that many specialists. Patients are pushed to go to private hospital. When these two initiatives start giving the results, believe me, entire concept of delivering healthcare in India will change. People who could never dream of going to a private hospital and getting a heart operation done or a cancer operation done will become a reality because they are covered by the Ayushman Bharat. And because of the National Medical Commission, there will be enough medical specialists to give them safe, affordable health care. 50 years from now, if some historians want to write about evolution of Indian health care, believe me, there will be two chapters. First chapter was before Ayushman Bharat, and the second chapter is after Ayushman Bharat. I feel that Ayushman Bharat is a major milestone in the evolution of the healthcare system in India. Dr. Shetty, let me ask you, as we are all set to usher into New Year 2020, what's the best way to take care of our health? In the future, you have to change your way of looking at your own health. Do not wait to fall sick. Every year, at least once in 1.5 years or soon after your birthday, see the doctor, get the physical examination done, get the blood test done, get some basic tests done. You don't need to go for a CT scan of the heart every year. Once in 7 years is fine. An ultrasound of the tummy, once in 2 years is fine, no problem. But go for a prevention. If it is not possible, go for an early detection.
And if this is not possible, at least see the doctor as soon as the problem comes. And heart disease is not the disease of the old people. In my practice, it is not the young son bringing his old father for a heart operation. It is the old father bringing his young son for a bypass grafting. Very nice analogy that you've given. Dr. Devi Shetty, thank you so much for joining us on this program where we are focusing on universal health coverage. Thank you very much, sir. Thank you. So like Dr. Saab said, that we can do a CT scan for heart. How will this be beneficial? What can I know from that? See, the thing is that those who are at high risk. Yes. You know, those having diabetes, hypertension, family history of heart disease, high cholesterol levels, obese, and beyond, say, 40 years of age, they can benefit. This is a non-invasive test. Okay. It just takes 5 minutes. Okay. And you can go back to work, to your office after this. And we can predict whether I can have some heart problem? We can actually see if there is any narrowing of the arteries. Okay. Not only that, we can see the cause of the narrowing. Hmm. Is it fatty deposits in the arteries which are causing the narrowing? Okay. Or is it calcified deposits? Okay. All those can be seen. Okay. So basically, this is a preventive tool. Okay. That I am absolutely fine. Yes. But I want to know what's the status of my arteries of my heart, because I don't want to be surprised with a heart attack. Yes. Because you have to realize that 50% of all deaths that happen due to heart attack happen in the first heart attack. And 50% of all who die of in that period happens in the first hour. Right. So if I know that my artery is blocked or is narrowed, I can take preventive measures to try to treat it. Right. And this is non-invasive. Right. And now the radiation doses have also come down very, very low, that it's not a problem. Right. But then it shouldn't be done very frequently. Right. Like Dr. Reddy said, maybe once in 7 years, the American Heart Association says once in 5 years. Okay. And then you can actually prevent a heart attack. Right. Yes, Dr. Paul, you wanted to add. मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज व्यापक स्वास्थ्य सेवा के की जब चर्चा करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ये इंटरप्ले है. एक तो यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और एक क्वालिटी की होनी चाहिए जो ज़रूरत है मिलनी चाहिए. अच्छा. और उसमें प्रिवेंशन की भी सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट की भी हैं, डायग्नोसिस की भी हैं, टेस्ट की भी हैं, रिहैबिलिटेशन की भी हैं और पैलिएशन की भी है. पूरी समग्र सेवाओं की बात होती है. तो ये एक विजन जो है इसको हमें समझना है. दूसरी बात है कि उसमें जब ये सेवाएँ हम प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, पैसे का बर्डन नहीं होना चाहिए. जब इन दोनों का मेल होता है तो हम कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के युग में जी रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. इसी उपलक्ष्य में जो अब बात हम कर रहे हैं कि बचाव की बात, प्रिवेंशन की बात, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हमारा मिशन है, उसमें जो बचाव है, हेल्थ प्रमोशन है, एक निरोगी समाज बनाना है, ये एक महान पिलर है उसका. और उसकी बात ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि बीमारी हो ही ना. बिल्कुल ठीक. और अच्छे स्वभाव हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारी खुराक साफ़ सुथरी और अच्छी हो, हमारा वातावरण साफ़ हो. 2018-19 का जो वर्ष है इसके लिए भी जाना जाएगा कि हमने इस वर्ष हमने अपने देश को ODF ओपन डिफिकेशन फ्री किया है. स्वच्छ भारत का मिशन हमने पूरा किया है. इसका असर अच्छे स्वास्थ्य का होना है तो होना ही है. बिल्कुल ठीक है. तो जब हम यूनिवर्सल कवरेज की बात करते हैं तो ये भी एक कड़ी जुड़ी हुई है जिसको कि हमें अपने देश को, हम सबको अपना श्रेय भी लेना चाहिए और हमें खुश भी होना चाहिए. बिल्कुल. लेकिन जब प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो 2-3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्रिवेंशन में. कि एक, मेरा स्वभाव कैसा है, खुराक मेरी कैसी है, क्या मैं फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योग करता हूँ कि नहीं करता हूँ. मेरी खुराक में बहुत नमक नहीं होना है, बहुत चीनी नहीं होनी है, मेरी खुराक गंदी नहीं होनी है, कवर्ड होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए. इसी प्रकार से तंबाकू का सेवन, इसी प्रकार से जो बाकी अब्यूज़ है, शराब का सेवन है, दवाइयाँ, जो ड्रग्स की बात होती है, ये हमारे से बहुत दूर होनी चाहिए. हमारी स्लीप नॉर्मल होनी चाहिए. हमारा मेंटल संतुलन में ऐसी भावना परिवार की और दोस्तों की होनी चाहिए कि
वो सुसाइड की टेंडेंसी नहीं हो, डिप्रेशन की टेंडेंसी नहीं हो, वातावरण साफ़ होना चाहिए, हवा साफ़ होनी चाहिए, हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें कि ये स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारे शहर हमारे गांव ऐसे बनने चाहिए, तो वो भी एक विजन जो है वो आयुष्मान भारत का अभिन्न अंग है और उसमें भी पूरी तरक्की की बात हो रही है और आगे बढ़ेंगे और ये जुड़ा हुआ है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि सब कुछ एक साथ होलिस्टिक देखना होगा, तो अगर स्वच्छ भारत होगा तो ही स्वस्थ भारत भी बनेगा। पर पीएमजे में मैं खास तौर पे जानना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने जुड़े हैं और क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर इंदु भूषण अब जब तकरीबन 14-15 महीने का अनुभव हो गया आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन का, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहयोग कैसे देखते हैं? देखिए जनरल जो सूचना है चारों तरफ ये है कि प्राइवेट अस्पताल हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो हमारे करीब लगभग 20,000 अस्पताल हैं उसमें से आधे प्राइवेट अस्पताल हैं। अच्छा। और हमने करीब जैसा कि बताया कि 65 लाख ट्रीटमेंट्स दिए हैं, उसमें से करीब 60% जो ट्रीटमेंट हैं वो प्राइवेट में हुए हैं। अच्छा। और अब तक जो हमने पैसा खर्च किया है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास है और उसमें से भी करीब 60-65% जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में गया है। अच्छा। और प्राइवेट अस्पतालों ने जो टर्शरी केयर है जो कि कैंसर केयर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में केयर है, उसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। ओके। तो जो पेशेंट आ रहा है अस्पताल, चाहे वो सरकारी अस्पताल आए या प्राइवेट, उसे अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। और अस्पताल को फिर पीछे से कैसे रीइंबर्समेंट मिलेगा? जी हाँ, उसको कौन रीइंबर्स करेगा अस्पताल को? देखिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मॉडल हैं। अच्छा। कुछ प्रदेशों में तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अच्छा। तो प्रदेश ने इंश्योरेंस कंपनी इंगेज की है, उन्होंने ओपन बिड किया था और जो भी सबसे कम प्रीमियम में तैयार हुई तो उनको उन्होंने सेलेक्ट किया। मैं उदाहरण दूं, पंजाब में इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी फिर उस अस्पताल को रीइंबर्स कर देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल को रीइंबर्स करेगी। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट मॉडल अपनाया है, जैसे कि यूपी है। यूपी में उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पे एक सोसाइटी है, सोसाइटी के पास पैसे हैं तो वो सीधे पैसे देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या ट्रस्ट हो, अच्छा, ये जो भुगतान हो रहा है सब कैशलेस होता है। अच्छा। और ये आईटी सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। उस आईटी सिस्टम के माध्यम से जो बेनिफिशियरी है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद जो उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है जब से भर्ती होता है उसके बाद डिस्चार्ज होने तक पूरा का पूरा उसमें ट्रैक होता है। अच्छा। और जब डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट, उसके बाद जो क्लेम रेज करते हैं अस्पताल। अच्छा। वो भी इसी आईटी सिस्टम के माध्यम से करते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो भी आपको क्वेरी पूछनी है। अच्छा। वो सब भी आईटी सिस्टम के माध्यम से होता है। अच्छा। और पेमेंट भी फिर बैंक का सीधे इनको आईटी सिस्टम के माध्यम से जाता है। okay. तो इसमें पेपर वर्क कहीं भी नहीं है। जी. आप ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा. कौन व्यक्ति था जिसको कि सुविधा मिली। अच्छा। क्या सुविधा मिली, क्या चीज़ें मिली। जी. और अस्पताल ने कितने रुपए का क्लेम जारी किया, उसको कब पेमेंट मिला, भुगतान मिला। जी डॉक्टर पॉल, क्योंकि नीति आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन बिल भी लेकर आया था, उसका प्रभाव आप कैसे देखते हैं आयुष्मान भारत की प्रगति में? जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर हमने एक स्वस्थ नेशन बनाना है, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है, सेवाएं प्राप्त करनी है, तो सिर्फ इच्छा से तो नहीं हो सकता है। सेवाओं के लिए जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें नर्सेज चाहिए, हमें पैरा प्रोफेशनल चाहिए, लाइट हेल्थ के लोग चाहिए, ठीक है। तो जो NMC की भूमिका आती है कि जो हमारे देश में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, जनरल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की जो संख्या को पूरा करें, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करें और तेज़ी से जो हमारी ये ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो हम पूरी करें, उस दिशा में NMC का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो मेडिकल एजुकेशन की पद्धति है उसमें ये एक बहुत बड़ा सुधार लेके आता है, जिससे कि जो कॉलेजेस बने, कॉलेजेस में क्वालिटी हो, क्वालिटी के अलावा वहाँ फीस स्ट्रक्चर भी ठीक हो, ठीक है, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्षमता है स्पेशलिस्ट ट्रेन करने की वो संभव हो पाए, और नए तरीके से जो
हमारा करिकुलम हो वो रेलेवेंट हो, अच्छा हो, अच्छे स्टूडेंट ट्रेन हो, उनके ऊपर भी प्रेशर कम हो। तो जब होलिस्टिकली हम मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर को देखते हैं तो ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी कदम है एनएमसी के द्वारा जो हम नई पद्धति लाना चाहिए। और पैरामेडिक्स में डॉक्टर महाजन थोड़ा बताइए, खासतौर पर युवा जो कार्यक्रम देख रहे हैं अगर वो रेडियोलॉजी की फील्ड में आना चाहें वहाँ पर किस तरह की संभावनाएँ हैं? देखें, अपनी 12th क्लास के बाद हाँ जी टेक्नीशियंस के कोर्स होते हैं, रेडियोलॉजी में नहीं कई फील्ड्स में, पैथोलॉजी है, लैब मेडिसिन है, बायोकेमिस्ट्री है, इवन ईसीजी वगैरह सारे जो ये कोर्सेज होते हैं 12वीं कक्षा पास करना ज़रूरी है और उसके बाद एक साल का कोर्स भी है और 3 साल का कोर्स भी है। और अगर कोई उससे आगे पढ़ना चाहे तो यू नो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। तो ये एक इन लोगों की डिमांड है ही है। अच्छा, और जैसे आयुष्मान भारत और आगे अग्रसर होगा तो ये डिमांड बढ़ने वाली है। सिर्फ डॉक्टर और नर्सों को ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ जो टेक्नीशियंस उनकी भी बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए भी जैसे डॉक्टर पॉल ने अभी कहा कि डॉक्टर बनाने बहुत ज़रूरी हैं और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसके आने से जो रूल्स को चेंज किया जाएगा जी। हमें अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता को पहचानने की ज़रूरत है जी। हमारी क्या यू नो नीड्स हैं जी। उसको देख के हमें पूरे करिकुलम को भी चेंज करना है और हमें डॉक्टर पॉल तो कहते हैं 10 गुना और स्पेशलिस्ट बनाने हैं। प्राइवेट सेक्टर में कई हम जैसे लोग हैं जी। जो कि टीचिंग ट्रेनिंग में जुड़े रहे हैं बट वो बड़ा इनफॉर्मल वे में था। अब उसको अगर एनएमसी फॉर्मलाइज कर देगा तो आप देखते हैं कि प्राइवेट में भी कई बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर प्राइवेट फील्ड में हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स यू नो टीचिंग ट्रेनिंग और उससे एक अलग किस्म का एक यू नो हमें अच्छा भी लगता है। तो उस चीज के लिए ये एनएमसी आई थिंक बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो ये शॉर्टेज है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि हमें कम से कम 1000 और हॉस्पिटल नए चाहिए तो ये नए हॉस्पिटल बनाने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैंड की जरूरत नहीं है, उसको इक्विप करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, हमें लोग चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, हमें टेक्नीशियंस नर्सें चाहिए। तो उसके लिए भी एनएमसी एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि ये हम अचीव कर पाए। और इसको अगर हम जल्दी से नहीं बढ़ाएंगे तो शायद 50 साल लग जाएंगे जो कि हम 8 या 10 साल में अचीव करना चाह रहे हैं। जी, तो जल्दी से बढ़ाने में टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। और मैं वापस पीएमजे पे चाहूँगा, आप बताइए कि एक ऐप भी है जिससे कि लोग जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, हमारी एक ऐप है पीएमजे, ऐप का नाम ही पीएमजे है और उसमें कोई भी लाभार्थी देख सकता है कि वो उसमें उसका लाभार्थी है कि नहीं, दूसरा कि आसपास कौन कौन से अस्पताल हैं जहाँ जा सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई आपको शिकायत दर्ज करनी है तो उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हमने वो फीचर उसमें ऐड नहीं किया है लेकिन भविष्य में हम ये भी ऐड करेंगे कि वो देख सके कि जो उनका 5 लाख का पूरा वॉलेट है उसमें से कितना खर्च हो गया, किस काम पे खर्च हुआ, किस मेंबर ने उस का उपयोग किया है, तो वो भी हम डालेंगे। उसके अलावा जो ऐप है उसमें हम उसका उपयोग डॉक्टर्स और अस्पतालों को भी देंगे, अस्पताल भी देख सकते हैं कि कितने मरीज उन्होंने अब तक ट्रीटमेंट दिए, कितना क्लेम उन्होंने जमा किया, उसमें से कितना उनको वापस पेमेंट हो गया, कितना बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसमें से कितना 15 दिन से पुराना है। अच्छा, तो और उसकी अगर उनको शिकायत करनी है कि मान लीजिए पेमेंट नहीं हो रहा है टाइम से तो वो भी कर सकते हैं, तो उसको भी हम जोड़ेंगे उसमें। तो आइए एक झलक देखते हैं पीएमजे ऐप की और जानते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं।
जी, आयुष्मान भारत पर आज हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख क्या है, 12 दिसंबर, और 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो अब चलते चलते अगर हम आगे की दिशा देखें, जो हमने लर्निंग लेसन लिए हैं उसमें आगे की प्रगति कैसे होगी और आम जन की भागीदारी कैसे देखते हैं इसमें आप, डॉक्टर पॉल? तो दो डायमेंशंस हैं इसमें। अगर हम दोनों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देखें और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को देखें, तो पीएमजेए में हमने जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम बहुत सशक्त तरीके से एक साल में इसमें मैच्योरिटी आई है और ये कहा जा सकता है कि एक ग्रैंड सक्सेस अभी तक है। अच्छा। कोई मेजर हिच नहीं हुआ है जी। और आगे ये स्ट्रांग होता जाएगा। इसमें हमारी चुनौती है कि हम इसको, जो भी इसके लाभार्थी हैं, पहले तो सबसे पहले हमारा ये ड्यूटी है कि उनको पता हो कि वो इसके लाभार्थी हैं। तो अभी कितना गैप रह रहा है ये हमें ट्रूथ सच्चाई में बोले तो नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन हर जन को जो भी लाभार्थी उसको पता होना चाहिए। पर जो हमारी जनगणना बहुत कोशिश है, लेकिन एक इंडिविजुअल को, एक गांव में, एक बस्ती में, उसको पता है कि वह लाभार्थी है, लिस्ट में है कि नहीं है, ये मैं चाहूँगा कि हमें इसको एकदम से पूरा करने की हमारी जिम्मेवारी है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, हमारे पैकेज रेट्स की बात होती रहती है, आईटी सिस्टम एक सुदृढ़ किया जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें हमें और अस्पतालों को जोड़ना है, पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल को जोड़ना है और जो चार स्टेट रह गई हैं उनको भी जोड़ना है। तो ये मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि ये हमारे उद्देश्य हैं इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए। और मैं आह्वान करूँगा कि जो स्टेट प्रदेश नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े, और ये भी आह्वान करूँगा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है खुशी से आगे बढ़ के आए और ऐसी व्यवस्था बनाए, अस्पताल बनाए, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो गुण हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसका सिस्टम है, उसको लेके चलें, क्योंकि भविष्य तो वही है। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ हमारा सारा जो जोर लगेगा कि हम इसके नेटवर्क को पूरा करें, 25,000 करें हैं, हम उसको सुदृढ़ करते जाएं, उसमें सेवाओं को जनता के साथ जोड़ें, वो हमारा मिशन जो है वो एक बुनियाद का मिशन है, उसमें वक्त भी लग रहा है, वो एकदम से ऐसे नहीं बनेगा। तो उसमें हमें देखना है कि जो हमारा, हमने कहा कि ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज हो तो दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। 80% जनता को पता नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है, और जब पता हो जाता तो 80% को ये नहीं है कि कंट्रोल हो जाए। कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हम हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेवाओं में जो हम जोड़ते हैं पैसे, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमें वापस आती है दो तरीके से। एक तो जिंदगी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, लेकिन ये भी हम भूल जाते हैं कि इसमें जॉब्स है, ग्रोथ मिलती है। बिल्कुल ठीक है। जब एक अस्पताल का एक बेड हम करते हैं जी, तो उसमें लगभग 4 से 5 लोग सीधी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बिल्कुल ठीक। और इतने ही लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिलती है, जो कि वो स्कूटर वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला आता है। ठीक है। 10 लोगों को जॉब मिलता है एक बेड के। एक डॉक्टर को ट्रेन करने से 6 लोगों को नौकरियां मिलती है। तो ये एक डेवलपमेंट का भी जरिया है और इसको एक देश की बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरह लेके हमें जुड़ना है। डॉक्टर इंदुभूषण। हाँ, डॉक्टर पॉल ने एकदम सही बात कही। जो पहला एक साल था उसमें हमने योजना का ढांचा तैयार किया और जो आईटी फ्रेमवर्क था वो तैयार किया। अब योजना को और गूढ़ करने की आवश्यकता है, उसको डीपन करने की आवश्यकता है। तो किस तरह से हम हर एक गांव तक पहुँचें, गांव में जो गरीब से गरीब परिवार है वहाँ तक पहुँचें, ना केवल दैट, परिवार के अंदर भी जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो कि हमेशा मार्जिनलाइज रहते हैं, वहाँ तक पहुँचे। जेंडर इक्वलिटी के लिहाज से आपको लगता है महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आई हैं, ई कार्ड बनवाया है उन्होंने? नहीं, उन्होंने ई कार्ड बनवाया है, लेकिन मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से कि महिलाओं की जो भागीदारी पूरी 50-50 नहीं है इस समय। क्योंकि हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था डॉक्टर पॉल से, उस संबंध में बात हुई थी कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि महिलाओं को ही होती हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ महिला बीमारियाँ हैं जिसमें कि महिलाओं को और पुरुष को दोनों को होती हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें कि पुरुष अभी भी अधिक आ रहे हैं, जैसे कि डायलिसिस है। अच्छा। डायलिसिस में अभी भी मैं देखता हूँ कि जो हमारी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं उसमें पुरुष 50% से ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में हमको और गहनता से विचार करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और महिलाओं को भी उनका पूरा हक मिले इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा इस साल का लक्ष्य है जी। और उसके अलावा दूसरा लक्ष्य ये भी है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी हों, उसके लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं
वो बना रहे हैं, उसको हम लोग अपने आईटी सिस्टम के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, जिससे कि देख सकें कि जो अस्पताल है वो शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, वो जो पूरा का पूरा उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए हर एक बीमारी के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस पे आप जोर देंगे, वो जोर देंगे, उसमें हम लोगों को और काम करने की आवश्यकता है और इस साल हम उस पर देंगे। हम लोग कहते हैं कि ये सेकेंड जनरेशन इश्यूज़ हैं, कि पहले साल में तो हमने पूरा ढांचा तैयार किया, अब इस साल में हम उसकी जो विशेषताएं हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जब हम कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जोड़ेंगे, तो हॉस्पिटल की परिभाषा में आप किसको लेते हैं, 10 बेड 50 100 बेड से ज़्यादा, या कोई भी क्लिनिक भी? नहीं, क्लिनिक को तो नहीं लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि इसमें तो इन पेशेंट्स के लिए है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों की बेड्स की संख्या की सीमा है। अच्छा, कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है, लेकिन कुछ ज़िलों में जहाँ पे कि अस्पताल नहीं है, हम लोग उसको रिलैक्स करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सुविधा सब जगह मिले, और अगर वहाँ पर अस्पताल नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा सा उसको रिलैक्स करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये बात अवश्य है कि अगर अच्छी क्वालिटी का अस्पताल है तो हम उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए 10% या 15% अधिक पेमेंट करते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपका अस्पताल NABH से सर्टिफाइड है तो 15% आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। चल चलते डॉक्टर महाजन, हमने पढ़ा था कि भाई एक्सरे रोंट कन ने इन्वेंट किया था, तब से लेकर अब जब मॉलिक्यूलर इमेजिंग का दौर आ गया, तो आपको लगता है कि विज्ञान ने भी इतनी प्रगति कर ली कि अगर शरीर का कोई भी भाग देखना है, मैं देख के स्वस्थ हो सकता हूँ? ये बिल्कुल सही बात है। ऑफ कोर्स अभी भी लोग मरते हैं, बीमारियाँ ये नहीं है कि सब ठीक हो जाते हैं। सो बट ये है कि बॉडी में क्या चल रहा है उसको देखने के हमारे पास कई नए औजार, नए टूल्स आ गए हैं। और चलते चलते मैं ये कहूँगा, डॉक्टर पॉल और डॉक्टर इंदु भूषण दोनों ने आह्वान दिया है कि प्राइवेट सेक्टर चुनना चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर भी जानता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हमारे पूरे देश में हर व्यक्ति का काम है। और जहाँ तक आयुष्मान भारत है, प्राइवेट सेक्टर इसमें जुड़ रहा है और जुड़ता रहेगा। सिर्फ एक ही बात होती है प्राइवेट सेक्टर में कि इनका कोई अन्नदाता नहीं होता जो कि इन्हें कहीं से पैसे दे देगा अगर लॉस हो रहा है। और इस बारे में आयुष्मान भारत का जो पूरी टीम है वो भी बड़ी इसके बारे चिंतित है। जी। और एक बार वायबिलिटी अगर मिल जाए तो प्राइवेट सेक्टर को कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, वी हैव टू लुक एट बिजनेस केस आल्सो। 30 सेकंड्स रह गए हैं, नए साल में हेल्थ रेजोल्यूशन क्या ले डॉक्टर पॉल? हेल्थ रेजोल्यूशन देश के लिए ये लेना है कि ये एक जन आंदोलन बने। प्रिवेंशन, पॉजिटिव हेल्थ, निरोगी समाज एक जन आंदोलन की तरह उभर के आए। एक प्लेटफॉर्म बन गया है आयुष्मान भारत से, नेशनल हेल्थ मिशन से, जब जो अब तक मेहनत करी हुई है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाना है और स्वस्थ भारत को बनाना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आयुष्मान भारत, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, उस पर हम आगे मोमेंटम बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाएंगे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार।